वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा आगरा में थर्ड डे, वो रात का टाइम है। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने नीचे और अभी टाइम हो रहा है शायद 8। और चलिए चलते नीचे ना, क्रिसमस के लिए कुछ डेकोरेशन किया है, बहुत ही यूनिक है, आपको दिखाती हूँ। तो इसलिए मैंने आज का ये वीडियो ना रात से ही स्टार्ट किया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी डेकोरेशन नीचे का। एक मिनट थाम भरे, ये लोग ना दोनों हमेशा मुझे छोड़कर जाते हैं। आज फोर्ट घूम कर ना बहुत मजा आया। कुनाला घालो, तिला काय घालो, त्याला थर्मल है अंगावर। हम तिला तिचा स्वेटशर्ट घालते। आज ना आगरा में थोड़ी थोड़ी ठंड है, थोड़ी थोड़ी नहीं, थोड़ी ज्यादा ही है ठंड। रूम में उतना नहीं लग रहा है क्योंकि हमने एसी काय के ले रहे एसी अपन हॉट एसी किया है। एसी एसी भी हॉट होता है तो ए माउस अपन काढ ना, मी जाके घालू का, हम खोलतो इसे, मी पण येते थांब। तो अभी कपड़े चेंज करके आई, सिर्फ ऊपर का ही चेंज किया है, इसने मुझे चेंज करने के लिए कहा। वैसे कोई इरादा नहीं था मेरे चेंज करने का। और माऊ को भी और थोड़े गर्म कपड़े डाल दिए, इन्होंने भी गर्म कपड़े पहन लिए, अभी ऑल सेट है नीचे जाने के लिए, क्योंकि नीचे ठंड लगती है। और माऊ का भी रूटीन बन चुका है, हम जहाँ पर ब्रेकफास्ट डिनर करते हैं ना, उस हॉल के साइड वाले गार्डन में एक पपेट शो होता है डेली रात को, तो माऊ को वो देखना होता है वहां पर। मतलब चार्जेस नहीं है, आप अपने खुशी से कुछ भी दे सकते हैं। तो हम एवरी टाइम 50 रुपीज देते हैं उनको, तो इसका ना खाने पर ध्यान नहीं होता है, उसे सिर्फ वहां जाना होता है जब भी नीचे लेके जाऊं। तो अभी हमारा रूटीन बन चुका है, जाते हैं खाना खाते हैं, फिर पपेट शो देखते हैं, फिर थोड़ा वहां नीचे बैठते हैं और उसके बाद में आकर सो जाते हैं। तो अभी भी हमें वही करना है। तो चलिए आज आपके साथ ये हमारी लास्ट नाइट शेयर करते हैं यहाँ की। वैसे बहुत कुछ दिखाने जैसे है, लेकिन व्लॉगिंग करने के लिए ना टाइम ही नहीं मिल रहा है। म्हणून घेतले ती सगळं शिकते माहिती का। ये देखो आजकल के छोटे छोटे बच्चे। हाँ चला ओके गो डन देख यहाँ पर ना वो कार्ड लगाना होता है, तो माऊ को भी पता चल गया, उसे खुद लगाना था। और आज मैंने पहनी है जारा की जींस, ऊपर का टॉप उतना चेंज किया क्योंकि मैंने डेबिट दिया। ओके 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 मम्मी बाबा के बारे में मैं बात कर रही थी आपसे। पपेट से बनाया है ट्री काय माऊ, एक गिफ्ट आपल्याला नाही ते आपलं नाही ते थांब। हाँ हे बघ पपेट्स आहे ते, काय पपेट्स, ये तुझा फोटो काढूया।
पपेट शो. एक मिनट भी बाबा लगे हुए थे, थमक जाओ यार. ओके इसे तो देखिए जल्दी कितनी होती है. बाबा ये खाना खाने. लेकिन क्या हो गया कि आज ना यहाँ पर एक शादी का खाना है, तो उन्होंने यहाँ पर पीछे मेरे खाना हमारा इस हॉल में होता था. लेकिन अभी सामने वाले वो जो हॉल है ना, वहाँ पर सबका खाना उन्होंने अरेंज किया है, जो 8:30 बजे से स्टार्ट है 11 बजे तक. तो अभी हम जल्दी आ गए, शायद आधा घंटा. तो अभी हम यहाँ पर जाएंगे पपेट शो देखने, उसके बाद में खाना खाने जाएंगे. कि शादी का खाना खाने जा रहे हैं अभी हम, क्योंकि इतने उजड़ का मस्त पड़ला है. तो आज हम खाएंगे शादी का खाना होटल में. तो आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर चलता है पपेट शो, छोटा सा ही है. और अंदर ना मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जाते वक्त. गुड इवनिंग. तो ये है पपेट शो, जो माओ का बहुत फेवरेट है. माओ के साथ मेरा भी फेवरेट हो गया है. हम दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं शो देखने के लिए. तू बस ना बस ना. ये आई होप यू एंजॉय. तो अभी पपेट शो देख कर आए, अभी थोड़ा बैठती हूँ यहाँ पर. आपको हाँ हाँ एक मिनट देखने फोटो फटे ये करे. कसा वाटला पपेट शो सांग, पपेट शो कसा होता इथे, कसा होता, आवडला तुला? यू लाइक इट? तो अभी हम फिर से जा रहे हैं रूम पर. पपेट शो देख कर आए. वन नाइट थ्री थ्री फर्स्ट नाइट लगना थ्री 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 कर थ्री बघायला लागत नाही ना. यस झालं का शेवटी? झालं का म्हटलं काय लावून? तर चल अभी चलते उपर. तो अभी हम फिर से जा रहे हैं खाना खाने. ये देखो माओ को बहुत ही जबरदस्त वाली भूख लगी है. आज दोपहर से ज्यादा कुछ उसने खाया नहीं है. और 7:30-8:15 बजे तक हम खाना खा लेते हैं. आज लेट हो गया, अभी 9 बज रहे हैं शायद. अभी 9 बजे जा रहे हैं हम फिर से. यार शादी की वजह से प्रॉब्लम हो गई, वरना टाइम पर खाना रहता है यहाँ पर. गुड चला मम खाया.
हेलो कॉर्नर कॉर्नर टेबल सोफा सोफा अच्छा कंफर्टेबल होगा उसे चल माऊ को परत जायचं थैंक यू काय घातलं तुला ओ म्हणते गुड गर्ल बिहेव लाईक अ गुड गर्ल ओके सांता क्लोज माऊ को पहली बार ऐसे कपड़े में देख रही हूँ इतना फुल पैक टाइप है ना माऊ ओ सब बंद को लाइट था जरा तो हाँ अभी हम खाना खा के आ गए और बात क्या हुई पता है ये जो होटल है ना सुबह तक सब बफे वगैरह सब चल रहा था अच्छे से मैं उठकर ही बात करती हूँ सब चल रहा था अच्छे से और अभी ना अचानक पूरा होटल जो है बुक हो चुका है हाँ तो मुझे ये बात बतानी थी कि ये जो होटल है ना क्या हाँ हाँ तो ये जो होटल है ना पूरा बुक हो चुका है शादी के लिए मतलब हम ही एक बचे हैं जो बाहर से बाकी पूरा होटल जितने भी रूम है होटल में सब बुक है शादी के लिए मतलब एक शादी है उसी के सारे गेस्ट है तो इसलिए ना बफे नहीं रखवाए एक फैमिली के लिए बफे रखवाने का कोई मतलब नहीं तो इसलिए उनका अभी शादी का खाना ना अलग से कहीं है तो यहाँ ना होटल में हाँ हाँ ये जो होटल है ना यहाँ पर मतलब बाहर से भी लोग आते हैं खाना खाने के लिए वगैरह तो वैसा एक सेक्शन है जैसे हम जैसे होटल में जाकर खाना खाकर आते हैं ना वैसे वाला तो वहाँ पर हम गए थे ऑर्डर देकर हमने खाना खाया है आज कल का ब्रेकफास्ट हमने कहा उनको कि रूम में ही भेज दे क्योंकि कल सुबह तो सब उनके मतलब आज शादी है तो नाइट में लेट सोएंगे तो सुबह लेट उठेंगे और फिर वो मतलब उनके सब लोग होंगे खाना खाने के लिए तो इसलिए हमने हमारा नाश्ता यहाँ पर मंगवाया है कल का तो ऐसा ऐसा हुआ इसलिए आज हमारा खाना लेट हो गया और ये देखिए ये हमारी गुड़िया रानी सो रही है इसे नींद नहीं आ रही है तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ कल हमारी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होने वाली है तो मिलती हूँ कल मॉर्निंग में आज का वीडियो यहीं पर एंड करूँगी छोटा सा वीडियो था आई होप आपको अच्छा लगेगा जल्दी लौटूंगी विद अ न्यू वीडियो तब तक के लिए बाय टेक केयर गुड नाइट